सुनिए, मैं लाइब्रेरी जाकर बारिश होने से पहले बच्चों को लेकर आती हूँ। मम्मी, मेरे दोस्त का नाम प्रीतम क्यों है पता है? क्यों है? उसकी माँ का लवर का नाम है इसलिए। इस तरह की बातें नहीं करते, अच्छी बात नहीं। एक मिनट ही रुकना, मैं बुक लेके आती हूँ। ओके मम्मी। कल तक तो तुम यूं ही नंगे पुंगे घुमा करते थे, आज चड्डी क्या पहन ली इतने बड़े हो गए? आइए मैं कॉम्प्लेन बॉय। ठीक है, फिलहाल ये जूनियर हॉर्लिक्स पी लो। ओके मम्मी। सुनिए, कॉफी। मैं नॉवल पढ़ रही हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बोल दीजिएगा। एक बात ध्यान से सुनो, कौन इसे जीत सकता है? है हिम्मत तो आओ अखाड़े में, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आओ मेलारे। No, no, no.
शाबाश मल्लारी, शाबाश। जीतने वालों को इनाम देना हम लोगों में रिवाज है। बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। मुझे किसी के हाथों बलि चढ़ने के बजाय मैं जिससे जीता हूं मुझे वही चाहिए, मुझे वही दे दीजिए आप ताकि मैं इसे पाल लूं। ठीक है मल्लारी। मम्मी क्या हुआ बेटा? ये क्या है मम्मी? ये कहानी की किताब है। मम्मी मम्मी हमें भी कहानी सुनाओ ना। बताओ ना मम्मी, बताओ ना मम्मी। मुजरिम मल्लारी जिसने सार्वजनिक जगह पर सबके सामने एक आदमी की हत्या की, इसलिए ये अदालत सबूतों और गवाहों के आधार पर मुजरिम मल्लारी को आईपीसी दफा 303 के तहत यह अदालत कड़ी सजा सुनाती है। पीने वाले बच्चे भी अब कोयता और हथियार चलाने लगे हैं। hey. हाँ बोल क्या है भाई? आपको फोन किया था क्या भाई? अदालत ने 2 दिन की सजा सुनाई है लेकिन हम 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ काम करने वाला चाहिए। तुम खतरनाक हो ये मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन वो आदमी भी कुछ कम नहीं है, लोहे के जैसा है। अगर वो मेरा शिकार है तो मैं भी टाइगर हूँ, मैं उसका शिकार करके रहूंगा। बच्चे बच्चा क्या कर रहा जाकर देख तो। क्या हो मामा, तेरी जिंदगी अब 2 दिन की है तो तेरी आने वाली पीढ़ी इस डायरी को पढ़े, इसलिए तू डायरी लिख रहा है क्या? 2 मिनट में तेरी डेड बॉडी देखने की इच्छा है सोमू भाई को, उनका ऑर्डर है मामू। हमारे लड़के लोग तुम्हारे साथ एक बार कबड्डी खेलना चाहते हैं, इसलिए फील्ड में आ जा। आ जा मामू फील्ड में, आ जा ना, आ ना मामू। अबे तेरी माँ का! आ!
मेरे पूरे अंक पे आता ही जा रहा है, जाकर देख। बेटा मैं तेरे को भी बताता हूं, आजा आजा आजा। मैं तेरे को नया लड़का सोचकर तेरी जान बख्शने वाला था, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आजा आजा मेरी तरफ, आजा 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 आजा। अरे आजा आजा ना। तरुण। यस सर। मलारी को ले आओ। ओके सर। आज सुबह एक बस जिसमें करीब 30 लोग थे जो किसी खुशी के मौके में शामिल होने जा रहे थे, वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पानी में गिर गई। उस दुर्घटना में मरने वाले की संख्या ज्यादा है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर के पास। अभी अभी शादी में शामिल होने के लिए जाने वाली 30 लोगों की बस पानी में गिर गई और उसमें से 20 लोगों की मरने की संभावना है, और वजह क्या है अभी तक कुछ पता नहीं चला। यह जो 80 साल की बुजुर्ग महिला यहाँ बैठी है, उस बस में उनकी बेटी और नाती भी शामिल थी। स्थानीय लोगों के साथ राहत कार्य अभी तक जारी है। बैठ जाओ। मौत ये बहुत खतरनाक चीज होती है, जिंदगी को चेस करती है, और इसे कैसे बचाना होता है वो हमारे अंदर होता है। बट तुम एक डिफरेंस केस हो। लोगों की मौत पीछे होती है, लेकिन तुम्हारे सामने है। अपनी सर्विस में 5 लोगों को फांसी दिलवाया हूं, और छठा कैदी तुम हो। 2 दिन में तुम्हें सजा मिलने वाली है, लेकिन तुम्हारी आंखों में भय नहीं है। मुझे तुम्हारी आंखों में मौत का स्वागत नजर आ रहा है। इट्स लाइक इंटरेस्टिंग।
ऑफ कोर्स तुम्हारा बायोडाटा मेरे पास है, लेकिन मैं यह सब नहीं मानता। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि सच क्या है। बोलो, तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम्हारी कहानी क्या है, इस तरह तुम्हें उकसाने वाला कौन है? कम ऑन, बताओ। मेरा गांव मैलापुर है साहब। मलारी, रुक जाओ बेटा, भागो मत। मलारी रुक जाओ बेटा। छोड़ो मुझे पापा। भाग क्यों रहे हो? क्या है ये? रोज रोज स्कूल स्कूल भाड़ में गया, स्कूल रोज स्कूल जाना पड़ता है क्या? पापा क्यों मार रहे हो मुझे? चल चल, तुझे बताता हूँ। स्कूल भाड़ में गया बोलता है। मैं चल रहा हूँ ना। पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? चल बैठ, बैठ साइकिल पर। बैठता हूँ पापा। मेरे बाबूजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। गोपाल बेटा। हाँ पापा। बड़ा होकर तू क्या बनना चाहता है बेटा? इंजीनियर बनना चाहता हूँ पापा। अरे रे, इंजीनियर मत बनना बेटा, तुझे तो डॉक्टर बनना है बेटा। ठीक है पापा, आप जो कहेंगे मैं वही बनूंगा। मलारी। क्या है? तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है बेटा? मैं हीरो बनना चाहता हूँ। तू कभी नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तू कभी। मुझे जो बनना है मैं वही बनूंगा। देखो मलारी, तुझे क्या बनना है बताऊं? तू बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। इसी रास्ते पर तेरी पुलिस की जीप दौड़ा करेगी, समझ गया? ठीक है, मैं आऊंगा, पहले साइकिल चलाओ। हाँ ठीक है। हर दिन हजारों सपने लिए मेरे पिता 10 किलोमीटर दूर साइकिल चलाते हुए हमें हमारे स्कूल छोड़ने आते थे सर। बाय बेटा। यह है अनीता। अनीता हमारे गांव के सेठ की बेटी है। हम दोनों एक क्लास में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन कभी हमने आपस में दो बात भी नहीं की। दो का दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छः, दो चौके आठ, दो पांच। भैया भैया उठ जाओ भैया, पापा आ गए भैया। ए चुपचाप पढ़। क्या पापा आ गए बोल के डरा रहा है? वो तो रोज ही आते, तू पढ़ाई कर चुपचाप। मलारी। पापा, आपको कब आए पापा? मैं अभी आया, तू सो क्यों रहा था बता? मैं सो नहीं रहा था पापा, जो पढ़ाई की है उसे याद कर रहा था। तू हमेशा झूठ क्यों बोलता है? चल चल पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, चल पापा मत मारो, पढ़ाई कर, देखता हूँ मैं। इसी तरह धीरे धीरे हमारी जिंदगी गुजरती रही। चलता हूँ पापा, बाय बेटा। अगर कुछ नहीं बदला तो वो था हम दोनों का प्यार। वो जैसा था वैसा ही रहा। उसने मुझसे कभी बात नहीं की तो क्या हुआ सर? लेकिन हम दोनों की जो आंखें थी वो बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल जाती थी, और मैं उसके ख्यालों में खोकर मैंने लिखना शुरू कर दिया। और इस तरह लिखते लिखते कभी मेलारी बन गया और हमारा रिजल्ट आ गया। देख ले अपने छोटे भाई को देख, तू उसके पैर की धूल बराबर भी नहीं है। पूरे स्टेट में फर्स्ट आया है वो, और एक तू है जो फेल हो गया है, नालायक कहीं का। आज मैं तेरे जान ले लूंगा। क्या करना है रोज रोज स्कूल जाके? नहीं जाना स्कूल के भाड़ में। मुझसे जुबान लड़ाता है, तेरी खाल खींचूंगा, जुबान काटूंगा तेरी में, नालायक कहीं का। तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता नालायक। जा निकल जा मेरे घर से। मैंने अपने दोस्त के साथ गांव छोड़ने का फैसला किया था सर। अरे रुको रुको रुको, चल चल गाड़ी रुक गई, जल्दी चल, जल्दी चल गाड़ी रुक गई, चल जल्दी चल। अरे मल्लारी क्या हुआ? लेकिन उस दिन जिसने मुझे रोका वो मेरे और अनीता आजा, के बीच का प्यार था। मल्लारी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आजा आजा मल्लारी, आजा जल्दी आजा, भाग भाग जल्दी, भाग जल्दी आजा।
मल्लारी आजा, जल्दी आजा, मल्लारी आजा। एक रुक, तू ये रख ले। हाँ हाँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना। बाय। अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान छोड़े हुए बहुत साल हो गए हैं। गोपाल। हाँ पापा। क्या पढ़ रहे हो बेटा? हाँ पापा। पढ़ो पढ़ो। उसने 5 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। ठूसो ठूसो, खा खा कर सांड बनो, रात दिन खा खा कर शरीर बनाकर घूमते रहो। तू तेरी तो, तेरी जगह पर अगर मैंने एक बैल पाल लिया होता ना, तो वो भी गाड़ी खींचने का काम करता, ग्रह कहीं का। मैंने तय किया कि मैं अपने पिता को जान से मार दूंगा। माँ, आज कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तेरे पति के सर पे पत्थर मारकर जेल चला जाऊंगा मैं। बहुत ही महान आदमी का बेटा है तू। चेहरे पर मूछ भी नहीं और इतना बड़ा काम करने चला था तू। सर। हाँ। कोई आपसे मिलने आया है सर। तू एक मिनट बैठ, मैं अभी आता हूं। हेलो। हेलो। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। क्या बात है? ये आंसू किस लिए? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया या जिस गुरु ने पढ़ाया तुम्हें? तुम्हें देख के नहीं लगता कि उन दोनों के लिए है? मुझे लगता है कि तुम्हारे प्यार का ट्रेडमार्क है। एम आई राइट? अगर इतने सालों से तुम्हारा प्यार तुम्हारे दिल में है तो मुझे लगता है यह प्यार सच्चा होगा। तुम्हारी खामोश लव स्टोरी कहां तक पहुंची? तुम्हारा प्यार सिर्फ आंखों में बस कर रह गया या फिर 2-4 बातें भी हुई है? कुछ तो बताओ। ए, यहाँ क्या कर रहा है मल्लारी? शायरी लिख रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, इसी तरह से अच्छी बातें लिखता रहा तो बहुत जल्दी देवदास बन जाएगा। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? जाने के लिए रास्ता मिलेगा क्या? इतना रास्ता छोड़कर यही रास्ता मिला है क्या? पीछे से जाओ। क्या बात कर रहे हैं आप भी? आजकल की लड़कियों को अपनी बाहों में कस के रखना चाहिए, लेकिन तू है कि शायरी में टाइम पास कर रहा है, पता नहीं उस तक पहुँचेगा कि नहीं। अगर उसके सीने में दिल है तो मेरी मोहब्बत का एहसास उसे एक न एक दिन जरूर होगा। दिल की बात समझने के लिए दिल चाहिए यार, बाहों में भरने की जरूरत नहीं। बाप रे बाप, ये सच में कवि बन जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब थोड़ी ही देर में हम आपके सामने बातें रखेंगे। ए, कालिदास, ये चिरोचारी बंद करो, चलो फंक्शन शुरू हो गया, चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो चलो। प्यारे विद्यार्थियों, जिंदगी में जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे मरना भी। ये किसी की जिद भी नहीं है कि जीना जरूरी ही है। उसी तरह हमारे कॉलेज में एक गरीब किसान का बेटा सेकेंड पीयूसी पास करके आगे की पढ़ाई करने के लिए बैंगलोर जा रहा है। इस उपलक्ष में हमारा कॉलेज उस विद्यार्थी का सम्मान करना चाहता है। गोपाल, कृपया स्टेज पर आ जाए। और दूसरी तरफ हमारे कॉलेज के एक बहुत ही समझदार और प्रतिभावान छात्र हैं, कवि मल्लारी। मल्लारी की छवि बहुत ही अच्छी है। अब मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अपनी दो बात आकर कहें। अरे वो क्या गाने गाओ, वो लड़की आई नहीं है।
तुम्हारा छोटा भाई एमबीबीएस करने के लिए बैंगलोर जा रहा है, उसके सम्मान में कॉलेज की तरफ से फंक्शन रखा गया और तुम एक बेशर्म आदमी हो, उसी फंक्शन में नाच नाच कर अपनी मान मर्यादा सब खत्म कर दिए, गाना गाने वाले बन रहे हैं। तुम गाना ही गाओ, मेरे हाथ में तबला पकड़ा दो, अपनी माँ के हाथ में हारमोनियम पकड़ा दो, फिर सब लोग गांव गांव घूमो, हम लोग गांव गांव घूमकर ताथैया ताथैया करके पैसे कमाएंगे। तेरे पैदा होते ही एक ज्योतिष ने कहा था, रामैया इस बेटे के पैदा होने पर खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता। कुछ सीख, अपने छोटे भाई को देखकर कुछ तो सीख, बुद्धि बदल जाएगी। क्या जी, आप भी जवान बेटे को इतना कुछ सुना रहे हो, चलिए यहां से चलिए। भैया हाँ, आप पिताजी की बातों का बुरा मत मानिए, वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं। मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, वहाँ आपके लिए कोई अच्छा सा काम देखकर रखूँगा। गोपाल तुम मेरी फिक्र मत करो, एक बात ध्यान से सुनो, पिताजी को तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, बस इसलिए तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। भैया माँ पिताजी का ख्याल रखना है। ठीक, संभल कर जाना, अपना ध्यान रखना, चल 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 जा, ये पकड़, अपना ख्याल रखिए, बाय, जा। चलिए इतनी तुम्हें क्या जल्दी है बेटी, संभल कर चलो। अच्छा बाल सुखाने जा रही हो? हाँ। जाओ बेटी जाओ। अनीता, अरे कहाँ जा रही हो? वो मैं बाल सुखाने जा रही हूँ। ले लो और जल्दी से आना, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। सर्व मंगल मंगल्य। अनीता। प्यार करना है तो प्यार करना चाहिए, और प्यार ही प्यार है। ए, गाना ही गाना है तो सुर में गाओ। अच्छा, ना ऐसी बात है, है? प्यार मैं तेरे बिना कैसे रह सकता हूँ। जाओ यहाँ से, बिस्किट भी नहीं खाने देते आराम से। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं गा रहा था। हाँ ये देखो, मल्लारी के लिखे हुए शेर आज की तारीख में मल्लारी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ए, अब मल्लारी कितना आगे बढ़ गया। मैं जाती हूँ भैया। संभल कर जाना। अरे चलो जल्दी। अरे बैठो बैठो, जल्दी बैठो। अरे चलो चलो। अरे सब लोग पीछे क्यों बैठ रहे हो, कुछ लोग आगे भी आकर बैठो, बस में बहुत जगह है, जहाँ की बैठ जाओ। अरे मल्लारी सिनेमा देखने जा रहा है, हम सब जा रहे हैं, चलेगा क्या? कोई भगवान की फिल्म है। आ गया।
रुकना। क्या हुआ? हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं। कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो? अभी सोचा नहीं है। कौन सी फिल्म है? अरे वो कौन सी फिल्म का नाम था पेपर में, तुम्हें याद है क्या? शीला की जवानी। शीला की जवानी। शीला की जवानी। हाँ, भगवान की फिल्म है। फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए एकदम सॉलिड फिल्म है। हाँ, सीखने मिलेगा। ठीक है। हाँ। तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना है। ए, क्यों सीधे साधे खराब करा है? चल हम लोग चलते हैं। अरे कृष्णा, मेरी बात सुन, तू फिल्म देख कर आएगा तो कहानी मुझे बताना। अरे कहानी देखने कौन जा रहा है? मतलब ऐसी फिल्म में कहानी होती कहाँ है? कुछ भी हो, अगर कुछ सीखे तो बता। अरे बाप रे, सब कुछ खुल के बताने को बोल रहा है। चलो जल्दी चलते हैं। ए मोटे, पिक्चर की टिकट लेके आना। अरे ये बहुत ही मुश्किल काम है। इधर मेरे पहचान वाले बहुत सारे लोग आते हैं, साथ में मेरा बाप भी आ सकता है। अरे यहाँ टिकट लेकर लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे रेस में भाग रहे हो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। जाओ जाकर टिकट लेके आओ, पैसा मैं देता हूँ। अरे सबको जाने देना, ज्यादा नाटक मत कर, जाकर ले आ। मैं नहीं जाऊंगा। अरे ले आना यार। अरे मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। जा जल्दी लेकर आ जा। ठीक है, ये किताब पकड़। अभी मैं पहचान में आ रहा हूँ क्या? अरे बिल्कुल नहीं यार। हाँ ठीक है, जाता हूँ। अब जा। अरे क्या हुआ जो तुम लोग बस में इस तरह हंस रहे हो? क्या हुआ मुझे भी तो बताओ तुम लोग। अरे मल्लारी, तुम्हें पता है अरे आज क्या हुआ? बताएगा तब मालूम पड़ेगा ना। आज हम लोग पिक्चर देखने गए थे ना। पिक्चर स्टार्ट होकर कितनी देर हुई? पहले पिक्चर देख लो फिर बताता हूँ। कोई लड़की आई? अभी तक तो नहीं आई। हीरो कौन है? मुझे बिल्कुल पता नहीं है। प्रकाश बाबा। उसके क्या रे जाड़िया? बेटा ये सारी बातें अपनी माँ को मत बताना। ठीक है पापा, मैं नहीं बताऊंगा। आप भी किसी से कुछ नहीं कहिएगा पापा। अरे हफ्ते में दो तीन बार हॉस्टल आने वाले क्या खाएंगे क्या पियेंगे? आते हैं खाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। मल्लर या वो बोलना, कुछ दिनों में बाइक लेने वाला हूँ। ये तो अच्छी बात ये है। बस में रोज आना जाना बहुत भारी पड़ता है। अरे मैंने इसे पहले कह दिया था, पर ये मानती ही नहीं। टैटू लगवा लो, टैटू लगवा लो। ठीक है बेटी, चल बेटा चल आ जा। माँ जी ये क्या कर रही है? छोड़िए मुझे, छोड़िए। अरे क्या कर रही है? पूरी तरह फंस गया। चल आ बैठ ला। माँ जी ये टैटू बनाने के लिए किसने कहा? वो चार पांच लड़कियों के बीच एक लड़की है ना, उसने कहा मुझे। अच्छा उसने? इसमें मेरी कोई गलती नहीं पापा, ये मुझे लाइक करती है, इसी ने मुझे प्रपोज किया था। लेकिन अगर आपको ये लड़की पसंद नहीं तो मैं इसको छोड़ दूंगा। मेरा बेटा
जो भी फैसला करेगा वो सही करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। देखो बेटी, ये प्यार व्यार के चक्कर में अपनी पढ़ाई बर्बाद मत करो। पहले पढ़ाई करो, फिर मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी शादी की बात करूंगा। मैं अपने बाप को गलत समझ रहा था। हाँ, लेकिन मेरा बाप इतना गलत नहीं है। प्यार का जिक्र आया तो फट से तैयार हो गया। शे, मैं एकदम ट्यूबलाइट हूँ। मैं अनीता के सामने प्यार का इजहार करने से डर रहा था, लेकिन मेरे से फास तो भाई निकला। उसने जिससे प्यार किया माँ बाप के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, गांव की लड़कियों में यही प्रॉब्लम है। शहर की लड़कियां अच्छी होती हैं, अगर प्यार हो गया फेस टू फेस बोलती है, सुनो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दोनों का इजहार हो जाता है और एक हम जैसे हैं जिंदगी भर यूं ही बैठे। भैया गोपाल आ इधर इधर। भैया ये मोबाइल रखो, जब माँ पिताजी से बात करने का मन करेगा तो मैं फोन कर लिया करूंगा। ये रखो ना भैया। अरे ये सब तो ठीक है गोपाल, लेकिन जो हाँ पापा इधर आओ बेटा। हाँ आया पापा। भैया आता हूँ। जा। मलारी आज चाहे कुछ भी हो जाए, अनीता से अपने प्यार का इजहार करके रहना। गोपाल एक लड़की को लेकर आया और शादी की बात कही, मैंने सोचा क्या आप उसे समझाएंगे। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनकी औलाद पढ़ लिख कर जिंदगी में कोई अच्छी कामयाबी हासिल करे। हमारा बड़ा बेटा तो किसी काम के लायक नहीं है, ऐसे में वही हमारी एक उम्मीद है। अगर मैं उसे कुछ बोलूं और कुछ ऊंच नीच हो जाए तो। आप हमेशा बड़े के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं? वो तो बेचारा अभी तक पढ़ाई लिखाई ही कर रहा है। मैं बातों से अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता, लेकिन एक हद तक इस लेटर के जरिए अपने प्यार का इजहार कर रहा हूं। तुम मेरी मोहब्बत हो। प्यार एक ऐसी चीज है जो आंखों से होती है और आंखों से निकलकर दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है। दूसरे के दिल को आवाज देने का तरीका ही प्यार है। तुम बताओ अनीता, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है? बताओ अनीता, तुम्हारा फैसला क्या है? बताओ अनीता, जब मैं तुम्हारे सामने आता हूं तो तुमसे कहने की हिम्मत नहीं होती। अनीता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू अनीता। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ये क्या, अपने प्यार का इजहार करने के लिए तुमने इतने साल लगा दिए मल्लारी? अगर तुमसे शादी की तो तुम मुझे खुश रख पाओगे या नहीं पता नहीं। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? तुम पिछले 20 सालों से अपने दिल में मुझे बसाकर प्यार कर रहे हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, क्योंकि तुम मुझे खुश रख सकते हो। आई लव यू मल्लारी। माँ? हाँ? कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखो तो जरा। हाँ देखती हूँ, कौन है? अरे आप, अनीता
आज वो दिन आ गया जब मैं तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहूंगा। माँ कौन आया था? अरे वो सेठ जी के घर वाले थे, उनके घर हल्दी कुमकुम है ना। लेकिन किसका माँ? अरे उनके घर में उनकी बेटी अनीता है ना, उसका रिश्ता तय हो गया है। ए मल्लारी, अगर तू आंखों ही आंखों में प्यार करता रहेगा तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, कुछ हासिल नहीं होगा। ये लड़कियों की जाति ऐसी होती है, आंखों से अंधी होती है और कानों से बहरी, आसानी से मोहब्बत नहीं समझ सकती। तू उसे बहुत प्यार करता है, ये बात तू उसे समझा नहीं सकता। अगर तुझे ये बात समझानी तो तुझे सीना ठोक के बोलना होगा। मल्लारी, तू अगर चुप बैठेगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरह से कई शादियां और सगाई रुक जाती है। आज कुछ भी हो जाए, तू जाकर सगाई तोड़ दे और अपने प्यार को गले लगा ले। पार्वती, तू जरा आगे जाके बैठना, जाना। अरे बोलना, अरे जाकर बोलना, बोलना। एंगेजमेंट तय हो गई है। लड़का इंजीनियर है। देखने में कैसा है? क्या वो तुम्हें पसंद है? अनीता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अनीता देखो, अगर वक्त निकल गया है तो बात करके कोई फायदा नहीं है। देखो अनीता, तुमसे अलग होकर मैं जी नहीं सकता। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? बताओ अनीता, बताओ, मुझसे बात करो अनीता। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बताओ अनीता, बताओ, बोलो बोलो। तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है अनीता, मैं हूं ना। बोलो अनीता, बोलो बोलो अनीता। ए, गली का कुत्ता हड्डी के पीछे भागता अच्छा लगता है, घर की थाली में मुंह मारता अच्छा नहीं लगता। अनीता
रुको, मेरी बात सुनो अनीता। एक बात कान खोल के सुन ले, मैं अनीता से प्यार करता हूँ, बचपन से प्यार करता हूँ। तू इसे बचपन से प्यार करता है? एक चॉकलेट क्या दे दी प्यार कर बैठा? आज तक किसने तुमसे कुछ कहा? गांव के सभी लड़के कहेंगे तेरी बहन अच्छी है, तो फिर क्या मैं सबके साथ अपनी बहन की शादी कर दूंगा? कुत्ते हीरा! मैं ही सिर्फ तेरी बहन से प्यार नहीं करता, वो भी मुझसे प्यार करती है। 20 साल से हम दोनों के बीच में प्यार है, यकीन नहीं तो पूछ ले, पूछ ले। मेरी बहन प्यार करती है तुमसे। नो चांस। अगर मेरी बहन कहे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मैं अभी इसी वक्त मैं यहीं पर अपने पिता को बुलवा कर तुम दोनों की शादी करा दूंगा, समझा तू? बोलो ना अनीता, हिम्मत से बोलो कि तुम मलारी से प्यार करती हो, बोल दो अनीता। बुलवा। बोलो अनीता, कुछ तो बोलो अनीता, बोलो बोलो अनीता। Hey, वो बात नहीं कर रही है, मतलब प्यार नहीं करती, समझा तू? समझा तू? इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लोगों के बीच इस तरह बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? अंदर चलकर बात कीजिए ना। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है तुम्हारे लाडले के साथ। रामैया के दरवाजे पर आज तक लोग हाथ जोड़कर आते थे, लेकिन इसकी वजह से आज लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। पापा, आपकी बेइज्जती हो, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। एक बड़े घर की लड़की के साथ बदतमीजी की है और कहता है कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें गलत क्या है? इतनी बड़ी गलती की है, सुनिए जी, और ऊपर से पूछता है कि मैंने गलत क्या किया। सुनिए ना, अपनी मेहनत के बलबूते पर दो वक्त की रोटी खा सकता है तू? प्यार करने चला है तू? प्यार? पापा! खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा घर, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा सब खत्म हो गया। कान खोल कर सुन ले तू, आज से इस घर में
या तो ये रहेगा या फिर मैं रहूंगा। प्यार से समझा दे इसको, आज से ये मेरे लिए मर चुका है। कैसे चला जाए यहां से? मलारी, मेरी बात सुन, कहीं मत जा। ये घर किसको चाहिए? रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए अलग फैसला, उसके लिए अलग फैसला। पापा, एक बात ध्यान से सुनो, जिनके सामने आज मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना, एक दिन ये मलारी मेरा बेटा ऐसा सबसे कहोगे। एक दिन ऐसा बन के दिखाऊंगा, देख लेना, ऐसी जिंदगी जीकर दिखाऊंगा। हाँ मलारी, इतना बड़ा आदमी बनूंगा, चिल्ला चिल्ला कर कहोगे कि मलारी मेरा बेटा है। जल्दी से टिकट दिखाओ। आज से इस घर में या तो ये रहेगा या फिर मैं रहूंगा। प्यार से समझा दे इसको, आज से ये मेरे लिए मर चुका है। कैसे चला जाए यहां से? तू मलारी से प्यार करती है, बता इसको, बता अनिता। I love you। ये शब्द शैतान को इंसान बना सकता है। अगर सच्चे प्यार में इंसान नाकाम हो जाता तो वो खतरनाक शैतान बन जाता है। इंटरेस्टिंग। एक तरफ तेरा घर से निकलना और दूसरी तरफ जिस लड़की से तू प्यार करता है उसका एंगेजमेंट होना। तुम अपने बाप से चैलेंज करते हो कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, घर होगा, उसके बाद बेंगलोर में एंट्री। और उसके बाद आकर तुमने बेंगलोर में क्या किया भाई, जरा बताओ। मुझे ये नहीं चाहिए। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, स्मार्ट दिख रहा है बोल रहा हूँ तो ले लेना। देखो मुझे मजबूर मत करो, नहीं तो मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेता है भाई। ये शाने, मैजिस्ट्रेट में भाई का नाम सुना है क्या? भाई उसे देखा है क्या? वो मैं हूँ भाई। ने ज्यादा नखरा मत करना, तुझसे जर्किन खरीदवा कर रहूंगा। ए बच्चे, ये अभी अभी गांव से आया ना, तो बटुए में बहुत सारा माल छुपा के रखा होगा, वो निकाल लेते हैं। अरे चलना, ढूंढो ना। आगे से ऐसा किसी के साथ मत करना। ये ले,
चलो आ जाओ गर्मा गर्म पूरी आओ मजा ले लो गर्मा गर्म पूरी खाओ भटूरे खाओ चलो आओ आओ पूरी भाजी अपनी भूख मिटाओ। जनार्दन भाई की जय जनार्दन भाई की जय जनार्दन भाई की नमस्कार नमस्कार सब रेडी है ना क्यों भाइयों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। आप सब लोगों को पता है कि कल तक हमारा बेंगलोर सिटी ग्रीन सिटी के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ये ग्रीन सिटी कन्वर्ट होकर क्राइम सिटी के नाम से जाना जाता है। ये जो दिन ब दिन गुंडागर्दी बढ़ रही है उसे जड़ से उखाड़ कर हमें फेंकना ही होगा। अब समय आ गया है हम सबको एक साथ मिल करके इस गुंडागर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंकना ही होगा। इसका मतलब जो गुंडागर्दी करता है उसे एक एक करके समझाओगे कि क्या करना है? ऐसे चांडाल लोगों को समझदारी की बात समझ में नहीं आती है, इनको समझाने का एक अलग तरीका होता है। हमको इस गुंडागर्दी को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंकना ही होगा। इसका मतलब आप उन सबका एनकाउंटर करवाने वाले हैं? अगर इस तरह एनकाउंटर करते हैं तो गुंडे मर जाते हैं, लेकिन गुंडागर्दी नहीं। देखिए आज गुंडागर्दी किस तरह से फैल गई है। अगर किसी ने उनको समझाने की कोशिश की तो वो उसे खत्म कर देते हैं। पढ़ने के बजाय वो लोग गुंडागर्दी करते हैं। अरे माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करने के लिए क्या नहीं करते हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, मगर बच्चे कॉलेज में पढ़ाई करने के बजाय आपस में दुश्मनी करके कुछ और ही बन जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि आगे की लाइफ उनकी क्या होने वाली है। दूसरे का झगड़ा अपने सर लेकर पुलिस के पास जाने के बजाय उस झगड़े को खुद सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में फंसकर वो किसी और से मदद लेते हैं, उन पर प्रेशर बढ़ जाता है, वो खुद गुंडे बन जाते हैं। ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। जैसे बॉर्डर पर खड़े होकर सैनिक देश की हिफाजत करता है, ठीक उसी तरह से हम सबको मिल करके इस गुंडागर्दी को हमेशा हमेशा के लिए हमें इस शहर से खत्म करना ही होगा। ए, वहां से कलेक्शन मिला क्या? मैं तो उसको जान से मार दूंगा। ले लीजिए भाई। ए, शेट्टी, इधर आ। नमस्कार भाई। तेरी माँ की साकिना का न जाने कहां से आकर बस जाते हो और बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाते जाते हो और हम ईंट पत्थर देने वालों को भूल जाते हो। हाँ देता हूँ भाई। हफ्ता निकाल। देता हूँ भाई। लीजिए। बाकी का 50,000 भिजवा दे। भेजता हूँ भैया। के कृष्णा, चलिए चलिए। अगर मैं इसे उठा लूं तो मेरा गैरेज का काम छूट जाएगा और मेरी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। हाँ बोल सोनू। भैया के कृष्णा मेरे सामने है, बोलो तो इधर ही डाल दूं। उसको फील्ड छोड़ के काफी टाइम हो गया है और इस वक्त तो बिजनेस चालू किया है, उसको जाने दे। भाई ऐसा करके मेरा नाम हो जाएगा और मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मानूंगा। ध्यान से सुन, अंदर बाहर जाने का टेंशन मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। भाई प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे मत मारो।
प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। ये क्या है भाई? बच्चों का नाखून काटने वाला ब्लेड लेकर चार लोगों के सामने किसी को भी जान से मार देना, पब्लिक को परेशान करना, ये क्या अच्छी बात है? छे, कुछ समझ में नहीं आता। मल्लारी, ये सब बातें तो कॉमन है। इस बैंगलोर शहर में इंसान अपनी गुड लक और बैड लक दोनों ही साथ में लेकर आते हैं। कब किसके साथ क्या हो कोई गारंटी नहीं है। खून तो बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक जैसा हो गया है, लेकिन इस शहर में अच्छाई और बुराई दोनों का पता चलता है। गुरु, मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, ऐसा अपने बाप से कहकर आया हूं, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आता। मल्लारी, इस तरह का टेंशन लेगा तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। तूने पापा को वचन दिया है, वो वचन तो बदल सकता है लेकिन तेरे पापा नहीं बदलेंगे। तेरे दिए हुए 50 रुपये की मदद से इस बैंगलोर शहर में मैं आज एक काबिल इंसान हूं, वो सब तेरी मदद से। कल मैं अपने बॉस से तेरे काम के लिए बात करता हूं, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेट हो गया है, चलो चलते हैं अब, चलो कम आओ। तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा हाय बेटा। जाइए पापा, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों, क्या हुआ? आपको टाइम सेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस तरह से लेट आएंगे तो मेरा होमवर्क कौन करेगा? अगर मैं होमवर्क करूंगा तो तुम क्या करोगी? वो बाजू वाली दादी का होमवर्क कौन करके देगा? बहुत ही शरारती है स्फूर्ति, मेरी बेटी। हाय स्फूर्ति। हाय अंकल। पापा, ये अंकल कौन है? ये मेरा क्लोज फ्रेंड है। अंकल, आपका नाम? मल्लारी। ओल्ड है लेकिन बहुत बोल्ड है। अंकल, अपने नाम से लारी निकाल दो और सिर्फ मैं रखो तो फिर लेटेस्ट हो जाएगा। ओके स्फूर्ति, तुम्हें जो बुलाना है बुलाओ। ओके मैं। सुनिए जी। गौरी, मेरा एक ही हेडेक, मेरी बीवी। गौरी, ये मेरा दोस्त है कवि मल्लारी, करेक्ट ना? करेक्ट। मैं जिसके वजह से बेंगलोर आया वो कवि मल्लारी, ऐसा अक्सर मेरे पति कहते रहते हैं। आपके बारे में इनसे बहुत कुछ सुन रखा है मैंने। सुनिए जी। हाँ। आप लोग बातें कीजिए। हाँ। 10 मिनट में मैं खाना तैयार करती हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। मुझे बेंगलोर आए कुछ ही दिन हुए थे कि गौरी और मेरे बीच प्यार हो गया, लेकिन जब हम दोनों की शादी की बात आई तो इसके घर वालों ने मना किया। गौरी का इरादा था कि वो मुझसे ही शादी करेगी, सब कुछ छोड़ देगी और आज ये हमारी हैप्पी फैमिली। यू आर लकी गाय। अंकल, अंकल, आप पहली बार हमारे घर पर आए हैं ना, इसलिए स्वीट खाइए अंकल। कम ऑन मे, तुम खाओ। मल्लारी, जो अक्षर लिखकर हम रिपोर्टर्स अपना पेट पालते हैं ये वही जगह है। तू यहां पर बैठ, मैं 2 मिनट में बॉस से बात करके आता हूं। हाँ। प्लीज सिट डाउन। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? जिसको मालूम है वह हाथ उठाए। सर, सर, मुझे पता है सर। मल्लारी, 2 मिनट शांत बैठो। गुरु प्रसाद, खड़े हो जाओ और बताओ भारत का प्रधानमंत्री कौन है? सर, सचिन तेंदुलकर। ओ हो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ आगे लाओ, दूसरा लाओ, दूसरा हाथ। मल्लारी। हाँ, आ रहा हूं। सर। यस मल्लारी। नमस्कार सर। बैठिए। थैंक यू सर। गुरु ने तुम्हारे बारे में बताया
और तुमने जो किताब लिखी है वो मैंने पढ़ी है। गुड, तुम्हारी लेखन शैली अच्छी है, ग्रामर, भाषा का ज्ञान, एवरीथिंग लुक्स फाइन। तुम जैसे होनहार लड़के की हमें सख्त जरूरत है। तुम चाहो तो आज ही से पत्रिका ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है सर। तुम्हारे साथ काम करने के लिए हमारे ऑफिस में एक लड़की है स्वाति, एक मिनट बुलाता हूँ। स्वाति। यस सर। केबिन में आ जाओ। May I come in, sir? Yeah, come in. Yes, sir. स्वाति, yeah. ये हैं गुरु के फ्रेंड, मल्हारी नाम है। हेलो। ये हमारी पत्रिका में ज्वाइन हुए हैं। ये तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और पत्रिका के लिए जो जगह खाली वो पूरी होगी। It's my pleasure, sir. ठीक है, इन्हें अपने साथ ले जाओ और अपना ऑफिस दिखा दो। Yeah, sir, sir. Okay. Thank you, sir. Welcome. स्वाति का मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब स्वाति, और मैं जो भी काम करती हूँ उसमें 100% परफेक्शन पा ही लेती हूँ। मालूम पड़ा क्या? हेलो, किस दुनिया में खोए हो? सपने में हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गांव के लड़कों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसे लड़कों से थोड़ी सी बात क्या कर लो, सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। और उनके थोड़े करीब जाओ तो अपने सपने में शादी वादी, यहाँ तक कि बच्चों का नामकरण भी कर देते हैं। मैडम, हम भले ही गाँव के रहने वाले हैं लेकिन हम जो भी बात करते हैं स्ट्रेट करते हैं। तुम तो बातें ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत बड़े संस्कारों वाले खानदान से हो। मिस्टर लारे, मल्लारी, तो तुम उस परिवार में सोने की थाली में खाते हो? अरे बोलो ना। मेरी एक बात मानेंगी क्या? ये आपका ड्रेस जो है। क्या कहा? अगर आप सलवार सूट पहनो, हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी, नरमी से बात करो तो आप और अच्छी लगोगी। ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। तुम गांव के लोग लॉरी और बस पकड़कर बैंगलोर शहर में आते हो और आंखें फाड़ फाड़ के बैंगलोर शहर को देखते हो, और थोड़े दिनों में पूरे शहर को अपने कंट्रोल में कर लेते हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन मिट्टी के माधव, तुम्हारा गांव कौन सा है? क्या सोच रहे हो? यार सचमुच में बहुत हॉट थी। हाँ यार, बहुत हॉट थी। हीरोइन एकदम टकाटक है गुरु। देखो ना। चल चल जल्दी चल जल्दी जल्दी। अपने एरिया में कौन आ गया? चल चल। ए रानी फेका। ए भाई। भाई आने में थोड़ी देर हो गई, माफ कर दीजिए भाई। भाई मैंने बताया था ना, एक डायरेक्टर है, वो तुम्हें लेकर के पिक्चर बनाने वाला है। ए इधर बैठ। हाँ, बैठ जाओ भाई। कौन कौन सी फिल्म बनाई है? बागवान, महान, कुली, संतान, युवराज, ताजमहल, कालिया, ये सारी फिल्में। भाई मैंने इन सब फिल्मों में बैकग्राउंड किया है भाई। बैकग्राउंड किया है। टेंशन मत ले, लेपी। मैं इसको नहीं पी सकता हूँ भाई, मुझे बहुत चढ़ती है इसलिए मैं पी ही नहीं सकता हूँ भाई। मैं तुझे मौका दूंगा। गिलास में मना करके बोतल से पी रहा है भाई। मैं हमेशा ऐसे नहीं पीता, बहुत परेशान रहता हूँ तो कभी कभी पीता हूँ भाई। बड़ा होशियार है तू। चल कहानी सुना। कहानी सुनाओ भाई। फूलो पर कचरा, लफंगे कमीने, फुटपाथ के भिखारी की तरह दिखने वाला, चार गुंडों को साथ में रखकर उनके हाथ में हथियार देकर तू खुद को गुंडा समझता है क्या? हथियार पकड़ने के लिए हिम्मत चाहिए बे, हिम्मत। हाँ मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही पाला है, ब्रह्मा शिव विष्णु का नाम लेकर मेरी माँ ने मुझे दूध नहीं पिलाया है।
मार डाल मार डाल मार डाल मार डाल, जिंदा मत छोड़ना उसको। भाई ये सिनेमा का फर्स्ट सीन है भाई। अच्छा, सिनेमा का सीन था? हाँ भाई। रेप सीन है क्या इसमें, बताएगा तू? भाई वो लेडीज का सीन है, मैं नहीं बता सकता तू। अरे एक बार ट्राई तो कर। बहुत ही खराब सीन है भाई। वैसे हमारी फिल्म में हीरोइन कौन होगी भाई? नमिता कैसी रहेगी? वेरी गुड, नमिता को ही फिक्स करो, हम दोनों की जोड़ी ठीक रहेगी। ठीक है भाई, आपने कहा तो फिक्स कर देते हैं। अरे साइनिंग बाउंड तो ले जा। अरे ये ले बेटा, रख ले। ठीक है भाई, मजा कर। भाई के लिए नमिता को फिक्स करो, लेकिन उसे फिक्स कर लेना। हाँ ठीक है भाई, देखता हूँ कितना दिया। नमिता फिक्स होनी ही चाहिए। नमिता चाहिए? ठीक है भाई, नमिता को बुक कर दूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, ऐश्वर्या राय को बुक कर दूंगा। चलता हूँ भाई, तेरी जात का भिखारी। सारी लड़कियां अच्छी हैं, लेकिन ओवर एनवायरनमेंट है। अरे रघुवंता, वो हॉलीवुड डायरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है। सर सर सर, ऊपर जा रहा हूँ सर। सर सिर्फ एक बात सर, सर मुझ पर भरोसा कीजिए। खुश हो गए, सब खुश हो गए, लड़की का टेंशन मत लीजिए। सर लड़कियों की कमी थोड़ी है, बहुत मिल जाएंगी सर। सर 5 दिन का टाइम दीजिए, सब हो जाएगा सर। ए सुन लो, एडवांस की धमकी मत दो, मैं वापस भी कर सकता हूँ। आपने पैसे दिए, मैंने काम में लगा दिया, ऐसे कैसे चलेगा? ये कौन आ गया? ओ गुरुजी, हीरोइन की फोटो देखने आए हैं क्या? और बाकी सब ठीक चल रहा है ना? ये कौन है? अरे बाबा ये तो बहुत सीधा लग रहा है। मल्लारी, माय चाइल्डहुड फ्रेंड। नमस्ते सर। आज से ये यहीं पर रहेंगे और इनकी सारी जिम्मेदारी तेरी। लेकिन खाने का क्या? वो तुम मत सोचो, मैं सब कर दूंगा, तुम इसे अच्छे से रखना। वो सब तो ठीक है, लेकिन अपना इंतजाम भी कर देना भाई। मल्लारी, ये है रघुवंता। नमस्कार। मगर इसने अपना नाम चेंज कर दिया है रघुरतन, ताकि रहने के लिए अच्छी जगह मिले, सही है ना? नहीं सर, देखिए सर, मैं सीधा साधा आदमी हूँ। मेरी माँ का नाम है रत्ना देवी और मेरा नाम है रघु, इसीलिए मेरा नाम रघुरत्न है। सो मैं खैरी मैक नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मल्लारी, ये है तुम्हारी टीम, अब तुम यहाँ अच्छे से रहो। ओके गुरु। तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, तू परिवार वाला आदमी है, तू चला जा। हम लोग बैचलर हैं, कोई चिंता नहीं, तू घर पे चला जा, शाम का बंदोबस्त कर देना। अरे अभी तक बैठे नहीं, बैठ जा, खड़े क्यों हो? मैं तुम्हें 2 सीन सुनाता हूँ, अद्भुत सीन है। उसमें फर्स्ट सीन ऐसा है, ऐश्वर्या राय। मैडम नमस्ते। मैडम कैसे है मैडम? हाँ मैडम, मैडम ऐसा है, हमारा हैट्रिक हीरो शिवराज कुमार है ना, उसके लिए मैंने बहुत बढ़िया पिक्चर लिखा है, पूरा सुपर हिट है। हाँ मैडम, बहुत बिजी हूँ, हम आपको फोन करेंगे मैडम, हीरोइन में आपको ही चांस मिलेगा। ओके मैडम। हाँ क्या नाम बताया तुमने? ओहो बड़ा खतरनाक लुक दे रहा है। ओहो मल्लारी बताया था ना? ऐश्वर्या राय भोजपुरी बोलती क्या? ज्यादा इंक्वायरी करने की कोशिश मत करो। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये देखो सलमान खान का फोन। सर नमस्ते सर। सर अब कैसे हैं सर? लेट हो गए थोड़ा सा सर, मैंने 5 मिनट पहले आमिर खान को अपना कॉन्सर्ट सुना दिया, उन्हीं के साथ मीटिंग में बिजी हूँ सर। बाय सर। ओके। देखा क्या बोला? क्या बोल रहा था? हाँ भाई, उसके लिए मैंने ये कहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट रखी थी लेकिन दूसरे को दे दी। ये क्या, मेरी बात सुनकर सुस्त हो गया? थक गया होगा तो जाकर आराम कर ले यार। चल ठीक है ठीक है, आराम कर ले, बाद में बात करते हैं। गो 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 गो। मेरा बैग। मोबाइल रख लो, कहीं अमिताभ बच्चन का फोन ना आ जाए। सही बात है, इसको हमेशा ही ऐसा नाटक रहता है। तुम सबके लिए एक अच्छा सा हीरो ढूंढ कर लाता हूँ। रघु भाई कॉफी ले लो। अरे भाई हमारे घर में आया है ना मल्लारी, वो देखने में एकदम सुपरस्टार शिवराज कुमार जैसा लगता है ना। हाँ भाई, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, एकदम शिवराज कुमार जैसा लग रहा है। शिवराज कुमार को लेकर फिल्म बनाना मेरे बस की बात नहीं है, हमारी पिक्चर का मल्लारी हीरो होगा। कैसा रहा मेरा आइडिया? आला ला 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 ला, स्वीटी पेटी बेबी, साउंड एक्शन। एक्सक्यूज मी सर। यस। ओ क्या बात है, तुम तो बिल्कुल चेंज लग रही हो, चूड़ीदार सलवार। हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही सर। हाँ स्वाति, आज ऑपोजिशन लीडर जनार्दन की गुंडागर्दी के खिलाफ मीटिंग होने वाली है, तुम और मल्लारी उसे अटेंड करना। ओके ओके सर। सर हम लोगों का काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है ठीक है। अरे तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है भाई? मेरे दोनों पैर नहीं है सर, मुझे कोई काम दिला दीजिए ताकि मैं अपने बीवी बच्चों को पाल सकूं। तुम इस सिचुएशन में भी कमाने की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। देखा, इस सिचुएशन में भी काम करना चाहते हैं। कुछ ऐसा करो कि
ये लोग घर में बैठकर कमा सकें, काम इनके घर तक पहुंचना चाहिए। नमस्कार। अरे रे रे रे, क्या कर रही हैं आप लोग, क्या कर रही हैं आप लोग बहन जी? ये मेरी बेटी है, हम लोग पास के गांव में रहते हैं साहब। उस गैरेज वाले सोमू ने ना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी नहीं लिखवाने दे रहे सर। कौन है ये आदमी, कौन है ये गैरा सोमू? कब से इसका नाम सुन रहा हूँ। इंस्पेक्टर इधर आओ। जी सर। कौन है ये गैरा सोमू? वो बहुत बड़ा गुंडा है सर। कल सुबह तक वो नहीं रहना चाहिए, वहाँ से उसको ढुआ दो। यस सर। आप रोइए मत, आप मेरी माँ जैसी हैं और ये बहन जैसी है। रोइए मत, आंसू पोछ लीजिए, आंसू पोछ लीजिए। आप हमारे पास आई हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगी। चुप हो जाओ बहन, चुप हो जाओ। ये जनार्दन सब कुछ ठीक करवा देगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अच्छा माँ जी, चलता हूँ। हाँ देखिए, मैं अपनी जनता के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। सुनिए सुनिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। आज गुंडागर्दी गांव खेड़े तक पहुंच गई है। इन गुंडों ने अपनी जड़ें गांव खेड़े से लेकर शहर तक जमा दी हैं। यहां तक कि गांव की मासूम लड़कियों की जिंदगी भी खराब की जा रही है। इस बात को लेकर मीटिंग करने वाले। एक्सक्यूज मी सर, गैराज सोमू का एनकाउंटर होगा, इसकी गारंटी है ना? तुम्हारे पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम छोड़िए, गैराज सोमू का एनकाउंटर होगा कि नहीं? ऑर्डर तो दे दिया है ना। सुनिए सुनिए, कल के खास अखबार के फ्रंट पेज पर ये बात मैं क्लियर कर दूंगा। सिर्फ तसल्ली देने के लिए है या ऐसा सच में करने वाले हो? देखिए, मैं भी खाना खाने वाला इंसान हूँ, और गुंडा पाताल में भी अगर छुपा हो तो हम उसे ढूंढकर उसका एनकाउंटर करेंगे, ये बात पक्की है। आप लोगों से फिर बात करूंगा। नमस्कार। मे आई कमिंग सर? कम कम। सर, ये जनता दर्शन की रिपोर्ट्स एंड फोटोज। ओके, लीव इट टू मी एंड आई विल कॉल यू लेटर देन। ओके, थैंक्स। गुरु, जिससे पब्लिक शॉक्ड हो जाए वो न्यूज नहीं है, ये न्यूज है। टेक दिस। हाँ सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओहो गैरा सोमू, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम लोग क्या सोमू, तू इधर भी। सुनो सोमू, दाएं हाथ से मारो तो बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, थोड़ा हार्ड वर्क कम कर दे तो इम्प्रूव जल्दी होगा। ये अखबार वाले हैं, इनको तसल्ली देने के लिए ऐसी बात नहीं कही तो ये फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की तरह खेलते रहेंगे, समझ रहे हो ना? इंस्पेक्टर जी सर, बोलिए सर। ये हमारा आदमी है, थोड़ी बहुत गलती हो गई, एक दो दिन के लिए बंद करना और फिर इसे छोड़ देना, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे आ गया तू भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्यों, अरे तुमसे ही पूछा, बताते क्यों नहीं हो? कुछ पत्थर तोड़ने वाले ऊपर नीचे कर रहे थे। उन लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? उन लोगों के दिल में हमारा जो डर था वो निकल गया क्या? वो बात नहीं है भाई, जो हमको पैसे देता ना उसकी उन्होंने सीढ़ी बनाई है। जिन्होंने सीढ़ी बनाया है ना, मैं उनका पूरा वीडियो फिल्म बनाऊंगा, बस एक बार जीत कर आने दो मुझे, बताता हूं उनको। जो खत्म करने की बात कर रहा है वही से शुरुआत है गुरु, उसकी जो असलियत है वो सबके सामने आनी चाहिए। वो जनता का सपोर्ट लेकर जनता को ही बर्बाद कर रहा है, वो बेनकाब होना चाहिए। डोंट वरी मल्लारी, कल के फ्रंट पेज पर इसका एक अलग रूप भी आएगा। थैंक यू। इतने चोरों में से हम एक चोर चुनकर लेकर आए हैं। कैसे कैसे लोगों के रूप नजर आते हैं देखो। साल पहले होटल में बर्तन घिसता था और आज मैं जो कुछ भी बना हूं अपने दम पर बना हूं, लोगों को भला करने के लिए, और लोग भी समझते हैं कि मैं उनका भला करना चाहता हूं। ये आज जो मेरा नाम है मैंने इस तरह से नहीं कमाया है, इसके लिए दिन रात मैंने बहुत मेहनत की है।
अगर तूने अपने अखबार के जरिए मुझे बदनाम किया तो तेरे न्यूज का करियर एक ब्लैक डॉट की तरह बंद कर रह जाएगा। अपने अखबार के जरिए तू जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुझे माफ किया। और इसके बाद भी अगर बात तुम्हारी समझ में नहीं आई तो तुम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, समझ कर। तुम एक पत्रकार को क्या समझते हो? जिस तरह आतंकवादी को मारने के लिए हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, उसी तरह एक पत्रकार अपने कलम से पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। जिससे तुम प्यार, इज्जत और शराफत से बात करोगे तो वो भी बात पत्रकार छाप सकता है। तुम्हारे डराने या धमकाने से पत्रकार डरने वाला नहीं। भाई बोले तो उसको यही खत्म कर दूं। लोहा चाहे जितना भी गर्म हो, लेकिन हथौड़े को ठंडा ही रहना पड़ता है। आप सबको नमस्कार। मैं बात कहां से शुरू करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं जब अपने गांव में था तो एक पुराने पेपर की तरह था, लेकिन आज आप लोगों ने आपने मुझे पूरी किताब का रूप दे दिया है। मैं इस काबिल हूं कि नहीं मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि गुरु के बॉस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुरु थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। कांग्रेट। थैंक यू। किताबें बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस मलारी। आप ऐसी ही अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। थैंक यू वेरी नाइस मलारी। एक्सक्यूज मी। ओके मलारी। कांग्रेचुलेशन मल्लारी। थैंक यू। पहली बार जब तुमसे मिली थी तो एक बात कही थी, याद है? गांव से लोग बैंगलोर आते हैं और बैंगलोर को आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को अगर मौका मिला तो आसमान को छू सकता है मल्लारी, और ये तुमने प्रूव करके दिखाया। सच में आई लाइक यू लॉट। थैंक यू वंस अगेन प्रदीप। हां स्वाति। ही इज माय फियांसे। ये प्रदीप है, हमारी शादी होने वाली है और ये टाइम्स में काम करता है। हाय प्रदीप। हाय मल्लारी। स्वाति ऑल द वेरी बेस्ट। एक मिनट। हेलो बात करो अनीता, बात करो मुझसे। अनीता मुझसे बात करो। अनीता देखो, मैं तुम्हारी सांसों को भी पहचानता हूं। अनीता किसका फोन है? हेलो हेलो हाँ।
भी निकाल दो और सिर्फ मैं रखूं तो फिर लेटेस्ट हो जाएगा। हाँ। ये है हमारी हैप्पी फैमिली। मार दिया उनको। जैसे तोते को समझाते हैं वैसे ही समझाया, लेकिन नहीं समझा। अब क्या तू बदला लेने आया है? हराम की खाने वाला एक गंदा नेता है तू। पत्रकार था मेरा दोस्त, सबकी जान था वो। अगर सारे पत्रकार आवाज उठाएं तो तेरी कुर्सी हिल जाएगी, और अगर वो चिल्लाएं तो तेरे होश उड़ जाएंगे। क्यों मारा तूने उनको? तेरी आवाज बहुत ऊंची है, मेरे टच में रह बहुत खुश रहेगा। अगर मुझे टच करेगा तो जल जाएगा। ऐसी धमकियों से डरने वाला कुत्ता समझा है क्या मुझे? तुझे खत्म करने के लिए आया है ये मलारी। सांप के बिल में हाथ डालने आया है तू। तेरा बैड टाइम है। बैड टाइम मेरा नहीं, तेरा है। तुझे 30 मिनट का वक्त देता हूं, जितना जीना है जीले, 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 जीले। तेरा 30 सेकंड पूरा हो गया।
मलारी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मत मारो। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एक बात ध्यान से सुनो, जिनके सामने आज मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना, एक दिन ये मलारी मेरा बेटा है ऐसा सबसे कहोगे। एक दिन ऐसा बन के दिखाऊंगा, देख लेना, ऐसी जिंदगी जीकर दिखाऊंगा। हाँ यही हकीकत है सर, मैं गुंडा नहीं हूं सर, मैं गुंडा नहीं हूं सर। सर वैसे तो आप मुझे फांसी चढ़ाने वाले हो, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं अपने पिता को देखना चाहता हूं, बस इतना मौका दे दो सर, प्लीज सर एक मौका दे दो सर, एक मौका दे दो सर, प्लीज सर मेहरबानी कर दो प्लीज। मल्लारी कितना आगे बढ़ गया है। मल्लारी बजरंग बली के सामने हाथ जोड़ो, एक दिन तुम इंस्पेक्टर बनके पुलिस जीप लेकर इसी रास्ते से आओगे जाओगे। पापा पापा, मां मां, पापा पापा
कल मुझे फांसी होने वाली पापा, मैं कल मर जाऊंगा पापा। मेरी आखिरी इच्छा है मैं आपका पैर छूकर आपको जी भर के गले लगाना चाहता हूं पापा। प्लीज प्लीज पापा, बस एक बार। इंस्पेक्टर, ये कौन है मैं नहीं जानता। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, गोपाल। मैं एक इज्जतदार आदमी हूं, मेरा नाम खराब करने की कोशिश मत करो। इसे यहां से लेकर जाओ। सही है पापा, मेरे जैसे गुनहगार बेटे को कोई भी मां बाप नहीं अपनाएंगे। पापा, अगर दूसरा जन्म होता है तो अगले जन्म में मैं आप ही का बेटा बनकर फिर से जन्म लेना चाहता हूं पापा, फिर से। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। Hey, गाड़ी रोको। तुमने माँ बाप भाई गांव सब के बारे में बताया, लेकिन जिसे तुम प्यार करते हो, जान से भी प्यारी है, उसके बारे में तुमने कुछ भी नहीं बताया। उसे तुम मिलना चाहते हो क्या? हाँ। हाँ। नहीं सर, यह ठीक नहीं है। मैं मिलना चाहता हूं। तुम उसे नहीं मिलना चाहते हो, लेकिन मैं उसका घर देखना चाहता हूं। दिखाओ मुझे। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। माँ जी, ये सब क्या हो गया? कहाँ गए सब लोग? सब कुछ खत्म हो गया। तो वो है ये। ये जो 80 साल की बुजुर्ग महिला यहाँ बैठी है, उस वक्त उनकी बेटी और नाती भी शामिल थी। स्थानीय लोगों के साथ राहत कार्य अभी तक जारी है। मलारी, तुम्हारा नसीब बहुत डिफरेंट टाइप का है। जिसे तुम प्यार करते हो वो लड़की अंदर है, बुलाओ उसे। अनीता, 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 Ah!
मल्लारी मत जाना। तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। तुम्हारे बाप ने नहीं पहचाना, लेकिन दूसरे तब तुम्हारा प्यार कब से इंतजार कर रहा है। देखो बेटी, कल शाम 11 बजे तुम बेंगलोर आ जाओ। मैं तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहता हूं। यस, आप जो सोच रहे हैं करेक्ट है। इसी मल्हारी ने, इसी कैदी मल्हारी ने आज जो यहां सीट है वो उसी की है। उसको राजकीय सम्मान मिलना चाहिए। कल जिसे फांसी की सजा होने वाली है उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा। वो जिंदगी में एक लड़की से प्यार करता है, वही प्यार उसके लिए मौत की वजह बन जाती है। ऐसे में एक इंसान अपने प्यार का इजहार किए बिना कुछ शुरू करता है, मतलब लिखना शुरू करता है, वो है मल्हारी। वही मल्हारी आज यहां आएगा, उसके लिए तालियां होनी चाहिए। गिव हिम अ बिग हैंड। बोलो। माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं कि उनका बेटा आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, और अगर उनका बेटा मेरे जैसा निकल जाए तो अपने माँ बाप की इच्छा क्या पूरी करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं अब बहुत दूर निकल चुका हूं। एटलीस्ट मैं अपने लिए नहीं, अपने पिता से चैलेंज करके इस शहर में आया था। मुझे यह पता नहीं था कि मैं अपनी लाइन क्रॉस करके कैदी के रूप में यहां खड़ा रहूंगा। जो सम्मान मुझे मिला है वो मेरे पिता की वजह से, उनकी दी हुई भीख है। ये मेरे लिए इसका सारा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। नमस्कार। मैं इस वक्त सिर्फ मल्हारी को खुशखबरी देना चाहता हूं। बात यह है कि मल्हारी को होने वाली फांसी की सजा माफ कर दी गई है। मल्हारी को एक और सरप्राइज देना चाहता हूं मैं। मल्हारी के लिखे हुए एक और स्वतंत्र पुस्तक को राजकीय सम्मान मिला है। यह है वो पुस्तक। इस पुस्तक के आधार पर राष्ट्रपति ने कहा है मल्हारी एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा लेखक भी, इसलिए राष्ट्रपति जी ने क्षमादान पत्र भेजा है। मल्हारी की लिखी हुई इस किताब से लोगों को शिक्षा मिलेगी।
अनीता? हाँ, अभी आती हूँ। पापा, पापा, उठ जाओ पापा, उठो ना। टिक जाइए, हाँ, आराम से, हाँ। अरे बाप रे, आपको कितना पसीना आ रहा है? मलारी। हाँ पापा। गोपाल का फोन आया था क्या? हाँ। 2 साल हो गए उसे देखे हुए। अब तो वो डॉक्टर बन गया पापा, लोगों का इलाज ऑपरेशन में इस सब में बिजी रहता है। जब फोन आया था तो उसने कहा था कि वो अगले साल जरूर आएगा, अब पता नहीं कब आएगा। आप ज्यादा मत सोचो पापा, आप खाना खाओ, खाओ खाओ। ठूसो ठूसो, खा खा कर सांड बनो, धूत तेरी। तो तेरी जगह पर अगर मैंने एक बैल पाल लिया होता ना, तो वो भी गाड़ी खींचने का काम करता, ग्रह कहीं का। क्या बात है पापा, आप रो क्यों रहे हो? हाँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बिल्कुल मत रो, लो खाओ खाओ। दादाजी को टाटा किया? दादाजी टाटा, टाटा। बुक सही से रख लिया? हाँ मम्मी। हाँ आ जाओ आ जाओ। बाय दादाजी। हाँ। अनीता आता हूँ। हाँ? ए! ए, 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 रुक जा यार, कहाँ जा रहा है? स्कूल नहीं जाएगा क्या? क्या पापा, स्कूल स्कूल करते हो, रोज रोज स्कूल जाना जरूरी है क्या? स्कूल स्कूल के अपार्टमेंट, स्कूल रोज जाना जरूरी है क्या? अपने बाप की तरह